नमस्कार दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नद को स्वागत करता सभी को आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी से मोनी तिलक कैसे बनाते हैं मोनी तिलक और मोहनी मंत्र का प्रयोग मैं इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा मैं आपको बता दूं ये जो हाँ है बंगाल की विद्या है बंगाल में चलता है इसमें किस किस संदूर को कौन कौन सी चीज़ें आपने मिक्स करनी है जिससे आप तिलक बना के उसके ऊपर मंत्र से इसको अभिमंत्रित करें आप तिलक लगाते हो सर्वजन यानी सबके ऊपर चलता है और अकेले बंदे के ऊपर भी चलता है वो बताऊंगा आपने कैसे इस मंत्र का उपयोग करना है सर्वप्रथम निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट है विस्टर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आइकन पर क्लिक करना तंत्र मंत्र दसवीं सामने संबंधित कोई भी सामग्री किसी भी चैनल पर जाकर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो किसी के घर में दुख तकलीफ है कोई बंधन लग रहा है किसी के ऊपर चौंकी आती थी या गुरु आप का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं देता अधूरा करके छोड़ा हुआ सवारी आती थी गुरु ने बंधन लगाया हुआ है और या फिर आपके घर में दुख तकलीफ़ है किसी को दवाई नहीं लग रही है दुआ ही असर करेगी वहाँ पे जहाँ पे दवाई नहीं लगती है या आपका मेडिकल कराते हो कुछ भी नहीं आता है तो तांत्रिक क्रिया है और आप मेरे साथ कंसल्ट कर उसका जो भोग प्रसाद खर्चा वो आपका ही रहता है किसी के ऊपर चीज़ चढ़ी होगी जिस प्रकार से चढ़ी होगी हवन होगा तो खर्चा डबल होगा नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ही होगा जो भोग प्रसाद है वो आपको देना ही पड़ेगा उसके बिना जनरली कोई भी चीज़ उतरती नहीं है इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई नहीं कोई मेरा गुरु नहीं है कोई मेरा चेला नहीं है तो किसी के जहाँ से मैं अपने फंसना नहीं है एक ही मेरा नंबर है स्क्रीन के ऊपर आ रहा है चारों चैनल पर सेम ही डिस्क्रिप्शन होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना यहाँ पर जितने वीडियो बनाए जाते हैं एजुकेशन परपज़ के लिए बनाए जाते हैं सोच समझ के इन वीडियो का उपयोग करना मेरे द्वारा दी गए मंत्रों का भी उपयोग करना सबसे पहले मेरी परमिशन लेनी है उसका भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे को भेजना फिर मैं देश करूँगा फिर ही आपने इन मंत्रों का उपयोग करना ऐसे आपने नहीं करना है चाहे आप गुरुमुखी हो चाहे कुछ भी हो और गुरुमुख में गुरुमुखी और गुरु के आदेश के बिना इन मंत्रों का उपयोग नहीं करना गुरु के अंडर रह के आपने उपयोग करना तो सर्वप्रथम आपको बता दूं इस मंत्र का आपने प्रयोग किसी भी ग्रहण काल में इसकी सिद्धि कर सकते हो आप मंत्र का आपने एक हज़ार आठ बार ही जप करना है उसके अलावा आप होली दीपावली पे इसका भी उपयोग कर सकते हो तब भी आपने एक हज़ार आठ बार ही करना एक हज़ार आठ बार ही पढ़ने में मंत्र सिद्ध हो जाता है अगर आपके गुरु कृपा एवं किसी सिद्ध पुरुष के अंडर रह के आप इस मंत्र का उपयोग करते हो मंत्र में आपको जो चीज़ें आपको मिक्स करनी है उसमें आपने क्या क्या आपको चाहिए गोरचन आपने इसमें कपूर डालना है उसमें आपने कस्तूरी केसर और इसमें हनुमान बाबा का संदूर डालना है आपने और एक आपने माता काली के यानी कि रेड कलर का संदूर डालना है आपने ये करने के बाद आपने इस तिलक के ऊपर जो मंत्र है पहले इसको सिद्ध करना फिर आपने इस मंत्र की एक माला पढ़नी है तिलक हाथ में रख के आपने मंत्र पढ़ते जाना उसको आपने थर्ड फिंगर के साथ उस तिलक को घुमाते जाना उसमें आपने पानी मिला के उसको घुमाते जाना बाद में इस तिलक का उपयोग आपने करना है अपने माथे के ऊपर लगाना है इस तिलक का प्रयोग यानी अपने सेंटर पॉइंट पे लगाना इस मंत्र को कोई भी लड़की कोई भी लड़का प्रयोग में ला सकता है जहाँ पे आपका काम नहीं बनता वहाँ पे आपका काम बनेगा जैसे कि आप किसी बिजनेस में जाते हो आपका बिजनेस चल रहा है आप या बिजनेस में हो तो दुनिया आपकी नहीं सुनती है वहाँ पर अगर आप ऑफिशियल प्राइवेट जॉब करते हो वहाँ पर इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो जन कल्याण हेतु ये चीज़ें हैं इसमें कोई बुरा प्रयोग नहीं है कि किसी को नीचा दिखाने के लिए खाली ये है कि आपकी लोग बात सुने आपकी बात समझें और आपके अंडर रहते हुए दुनिया काम करे तो ये है इस मंत्र का आपने उपयोग देसी का दीपक लगा के जो मैंने दिन बताया होली दीपावली और ग्रहण काल में इन तीनों में ही सिद्धि होनी है उसके अलावा कोई और दिन बार है नहीं जिस दिन पड़ती है उस दिन आपने रात्रि को इस मंत्र का उपयोग करना दस बजे के बाद ही आपने करना है हाँ अगर आप दीपावली को इसका प्रयोग करते हो तो तकरीबन कोशिश करो कि इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा माला निकालो क्योंकि उस दिन शक्ति प्रचंड होती है और होली को भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण काल में लोगों ने और भी मंत्र सिद्ध करने होते हैं तो एक हज़ार आठ बार इसको जपना है यानी कि तकरीबन ग्यारह माल आप ग्यारह माल आपने करनी है मंत्र मेरे मुख से लेना तो बहुप्रसाद आपको पहले देना पड़ेगा फिर ही मैं आदेश करूँगा और संकल्प ले ही इन मंत्रों का उपयोग करना संकल्प ले संकल्प में पहले बोल देना है अगर आपके मन की भावना त्रिंजर गलत हुई तो मंत्र कार्य नहीं करेगा अगर मंत्र का उपयोग सही कार्य के लिए करते हो तो विद इन सेवेंटी टू आवर्स यानी कि बहत्तर घंटों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है आपको इंडिकेट मिल जाएगा जिस बंदे ने ब्लॉग करा होगा ब्लॉग भी खोल देगा या आपसे बातचीत कर लेगा या बहत्तर घंटों में मिस कॉल ही आएगी या मैसेज आएगा कुछ भी आएगा हंड्रेड परसेंट अजमाई की चीज़ है ये क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की माया चलती है और ये विजय कार का तिलक है ये तिलक ऐसा है जिसको लगा के जब चलते हो तो आप जीत के ही आते हो तो रुद्राष्ट्र की माला के ऊपर आपने इस मंत्र का उपयोग करना मंत्र सुन लो ओम नमो तिलक ईश्वर तिलक महेश्वर तिलक जय विजयकार तिलक काडी ने निस्सरु घर से निसरु या निकलु घर से मोहू सकल संसार अब देखो ये शब्द जो है या तो निकलु बोलोगे या निसरु बोलोगे आप तो शब्द आप निकलु भी बोल सकते यानी कि मंत्र को सुन लो ओम नमो तिलक ईश्वर तिलक महेश्वर तिलक जय विजयकार तिलक काडी ने निकलूँ या निसरूँ घर से मुहू सकल संसार ये आपने शब्द चुनना है सो होपफुली अगर मैं देगी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे चारों चैनल को सपोर्ट करना सबसे लाइफ सन्नी नाथ मिलना लाइव चैट में मेरे साथ जुड़ सकते हो किसी प्रकार का कार्य करवाने के लिए तथा मत सोनी से सामग्री लेने के लिए बंधन चौकी खुलवाने के जो बहुत साथ खर्चा वो आपका रहता है बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है इंटरनेट के दिन में कोई मेरा गुरु भाई कोई मेरा गुरु कोई मेरा चेलन किसी की जान से फंसना स्वदेश जय गुरु